इतिहास गवाह है। कभी भी आप अच्छा काम करने चलेंगे तो इन पाखंडियों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा, समंतवादियों के द्वारा आपको रोकने का काम किया जाएगा। सावित्री बाई फुले को भी रोकने का इन लोगों ने काम किया था, लेकिन जब सावित्री बाई फुले ने हार नहीं माना तो फतेह बहादुर सिंह भी हार नहीं मानेंगे, ये मनुवादियों लोग अपने दिल दिमाग में बैठा ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह लगातार हिंदू देवी देवताओं को लेकर टीका टिप्पणी करते हैं और इसको लेकर काफी सुर्खियों में। तो वही बात करें तो पटना के सड़कों पर पोस्टर लगाया गया है कि जो भी राजद विधायक फतेह बहादुर को जीवा काट के लाएंगे उन्हें 10 लाख इनाम दिया जाएगा। इसी को लेकर साफ तौर पर फतेह बहादुर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो करना है कर लीजिए, हम अपने बयानों से पीछे नहीं हटने वाले हैं। पहले क्या कुछ कर रहे हैं राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह, पहले सुन उनकी बातों को। जो लोग कलम और किताब का बात करने पर, बहुजनों के हाथ में कलम और किताब देने के बात पर, बहुजन और महिलाओं को शिक्षित करने की बातों पर, जिन लोगों ने मेरा जीभ काटने का 10 लाख रुपया इनाम देने का बात करते हैं, उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ और मैं पूरे देश के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वो सुन लें, और हमारे जो समाजवादी विचारधारा के भी लोग हैं वो इस बातों को समझ लें कि शिक्षा VS अंधविश्वास, हमें शिक्षा की तरफ जाना है कि अंधविश्वास की तरफ जाना है। अंधविश्वास फैलाने वाले लोग, पाखंड फैलाने वाले लोग, नफरत फैलाने वाले लोग, देश में धर्म के नाम पर बांटने वाले लोग फतेह बहादुर सिंह को शिक्षा की बात करने पर जीभ काटने का बात करते हैं। उस समय भी 1848 में जब सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा राव फुले ने महिलाओं को पढ़ाने का निर्णय लिया, शिक्षित करने का निर्णय लिया, तो उस समय भी ज्योतिबा राव फुले को हत्या करने के लिए मनुवादियों के द्वारा सुपारी देने का काम किया गया था। तो जब उस समय ज्योतिबा राव फुले ने अपना कदम पीछे नहीं हटाया तो फतेह बहादुर सिंह, गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, ज्योतिबा राव फुले, सावित्री बाई फुले, अमर शहीद जगदेव प्रसाद का ब्लड इनके रगों में दौड़ रहा है और फतेह बहादुर सिंह जो है इन गिदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। इन लोगों को जो करना है कर ले। फतेह बहादुर सिंह बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम करता रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में जो कदम बढ़ाया है अपने समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, संपूर्ण महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का मैं काम करूंगा, क्योंकि ये इतिहास गवाह है। कभी भी आप अच्छा काम करने चलेंगे तो इन पाखंडियों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा, समंतवादियों के द्वारा आपको रोकने का काम किया जाएगा। सावित्री बाई फुले को भी रोकने का इन लोगों ने काम किया था, लेकिन जब सावित्री बाई फुले ने हार नहीं माना तो फतेह बहादुर सिंह भी हार नहीं मानेंगे, ये मनुवादियों लोग अपने दिल दिमाग में बैठा ले। आपने सुना फतेह बहादुर सिंह किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम पढ़ने के बात करते हैं तो इन लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जिस तरह से राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह हिंदू देवी देवताओं को लेकर टीका टिप्पणी करते हैं, इसको लेकर उनके सहयोगी दल भी नाराज है, तो वही बात करें तो साफ तौर पर राजद उनके साथ है। तो लेकिन जिस तरह से अब देखने वाली बात होगी कि जो इस पर फतेह बहादुर अपने प्रतिक्रिया देते हैं उस पर क्या कुछ रिएक्शन आता है। तमाम खबर बने न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।